हेलो दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद आज हम अपना स्टोरी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत दिनों से मतलब हमारा स्टोरी हमारा पढ़ाई जो मतलब ठीक से नहीं हो पा रहा था, मतलब कंटिन्यू हमारा 4 5 6 प्रोग्राम ऐसे हमारा लगातार हो गया, तो उससे मैंने अवॉइड नहीं कर पाया, जिसके मदद से मेरा स्टडी साइकिल वो हमारा पूरा मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, मैंने मतलब 2 2.5 महीने में तो मेरा हमारा मेरा पूरा जो साइकिल था, पढ़ाई का साइकिल, वो पूरा बेकार हो गया। तो बहुत कोशिश किया इससे मतलब बाहर आने की, तो मतलब हो नहीं पाया। तो अभी मतलब बहुत सारे मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखकर, ये मतलब बहुत सारे स्टोरी ब्लॉग देखकर और मोटिवेशनल कोर्स पढ़कर मुझे मतलब फाइनली मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और आज से मतलब जो मेरा साइकिल पैरम पहले से मेरा चालू था, उससे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ आज से, अभी से। तो आज हो गया है हमारा 27th, तो कल हमारा 26 जनवरी 26 था। हमारा क्लब में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा कम्युनिटी में वो सेलिब्रेट हो रहा था, और हमारा सरस्वती पूजा भी वो सेलिब्रेट हो रहा था, तो सब हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसके लिए मतलब जितना भी प्रोग्राम रह गया, मतलब जितना भी प्रोग्राम हो रहा था, मतलब उसको हम मैनेज कर रहे थे, इसलिए मतलब सब में मुझको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। मतलब मन नहीं था, लेकिन मतलब जैसे कि हम एक कम्युनिटी में मतलब एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उससे ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पर मतलब होना पड़ रहा है, इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो आज बहुत मतलब अपना माइंड सेट करके अभी यहाँ पर बैठा हूँ। और आज से जो मेरा जहाँ मतलब जो जहाँ पर हमारा रुका हुआ था हमारा स्टडी साइकिल, वहाँ से हम उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे, शुरू करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी से हम अपना नुआ मतलब अभी हमारा टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं 5:10 अराउंड हो गया है शाम का। तो अभी से हम अपना स्टडी मतलब जो पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा टेबल है, इसको हम पूरा साफ सफाई कर लिए हैं। ये हमारा शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट है, ये हमारा प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड है, और ये मतलब मेरा स्टॉप वॉच है, और ये हमारा घड़ी है। ओके, और इसको मैंने, ये हमारा मैप वगैरह तो है, और ये हम मतलब बैठे हैं यहाँ पर। तो आज मतलब सुबह सुबह से ही मैंने एनसीईआरटी का नोट्स बना रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, ये हमारा एनसीईआरटी का है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स का। ओके, ये हमारा डिजिटल नोट्स है। तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरा दिन हमारा, ऐसा नहीं कि मतलब सब रोज़ में थोड़ा 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 पढ़ रहा था, मतलब आधा घंटा 1 घंटा जितना ही पॉसिबल हो रहा था, तो रोज़ थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा दे रहा था। तो मतलब कंप्लीट स्टडी करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब वो 2 2.5 महीने से। ओके, तो ये हमारा देखिए क्लास 11 का है, इंडियन इकोनॉमी 19, लेबर रिलेशंस, प्रॉपर्टी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ओके, तो ये हमारा डिजिटल नोट्स है। तो इससे हम कवर मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको स्टॉप वॉच लगा लेते हैं 0 से, तो ये हो गया स्टार्ट। तो अभी हम शुरू करते हैं।
दोस्तों 6:35 हो गया है और हमने अभी 1.5 घंटा करीबन हमने पढ़ लिया है और यहाँ पर हमारा एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो ये हमारा नोट्स हमारा डिजिटल के रूप में है, माइंड मैप के रूप में है। ओके तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए यहाँ पर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट और ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स एंड यहाँ पर देखिए ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन फार्म्स फैक्ट्रीज एंड ऑफिस और ये हमारा कंक्लूजन। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद। ओके तो अभी थोड़ा हम रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हो गया 10 बजे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये तकरीबन हमारा 70-75% हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, रिलीवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी क्या है और ये हेल्थ और ये कंक्लूजन। ओके तो मतलब एनर्जी का फिर हम सब कैटेगरी अबाउट और ये सोर्स ऑफ एनर्जी और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और ये कंजप्शन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी पावर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कुछ बचा कुचा है तो इसे हम आज ही ख़त्म करेंगे। ओके तो चलिए अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए। ओके तो डिनर के बाद हम ये हमारा कंटिन्यू करेंगे। खाने में ये दाल है और ये सब्जी और ये चावल, तो ये हमारा खाड़ी आ गया है और इसमें हम बांटेंगे आज। तो ये अभी सर्व हो रहा है चावल, सभी हम मिल के खाएंगे। तो मैं सर्व करने वाला हूँ ये दाल, देख सकते हैं। और ये हम सर्व कर चुके हैं और अभी हम खाने बैठेंगे। अभी हमारा खाना कंप्लीट हो गया है तो अभी थोड़ा जाएंगे बाहर टहलने के लिए। बाहर थोड़ा ठंड लग रहा है, ठंड थोड़ा कम हो गया है, मतलब पहले जैसा अब इतना ठंड नहीं है। तो देखिए ये स्ट्रीट लाइट जल रहा है और यहाँ पर थोड़ा हम वॉक करेंगे, सब सो गए हैं, पूरा सुनसान लग रहा है। कोई भी नहीं है रास्ते पर, एक साइकिल वाला जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये कुत्ता लोग कैसे दौड़ के आ रहे हैं। गली का कुत्ता और एक देखिए बिल्ली वहाँ पर, मैम पुस पुस पुसिकेट, वो नीचे छुप के बैठा है। और ये यहाँ पर हमारा दोस्त पहुँच गए
कुत्ती और मनी इंसान सामना सामनी होगा, खतरनाक खेल। रात को घूम रहे हैं आधी रात को आधी रात जैकेट लगाकर। टाइम देखने का तेज ये मुझे टाइम दिखा रहा है। तो टाइम हो गया है 10:40 और जो बचा हुआ था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उससे हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। उससे पहले हम ये थोड़ा पानी भर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें पीना पड़ रहा है, तो इसे हम भर कर लाते हैं। तो ये अभी पानी हम भर लिए हैं, तो अभी हम चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 11:40 हो गया है दोस्तों, और अभी बहुत नींद लग रहा है। मतलब सोचा था ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मतलब और कुछ एक ही कंटेंट हमारा बाकी रह गया हमारा हेल्थ का। ओके, तो बाकी हमारा ये एनर्जी भी ख़त्म हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, और तो चलिए अभी इतना ही, और कल हम हेल्थ और ये कंक्लूजन थोड़ा सा ही है, मतलब कल का हम ख़त्म कर लेंगे। तो अभी हम जाएंगे सोने के लिए, तो बहुत नींद लग रहा है दोस्तों, तो अभी हम जाते हैं सोने के लिए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।